जनपद सिद्धार्थनगर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन तरह तरह के कवायदे करने में जुटी हुई है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सके और हर मतदाता मतदान का सही उपयोग कर सके जागरूक किया जा रहा है। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल करौदा मसीना मतदान स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने मतदान स्थल पर तैनात कर्मचारियों पर नाराजगी जताई और फॉर्म 12 को लेकर जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई और संबंधित को निर्देशित करते हुए कार्यों में गति देने का निर्देश दिया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा, जनपद के 5 विधानसभा के मतदान स्थल अलग अलग बनाए गए हैं, जहां पर 11,000 से अधिक कर्मचारी मतदान करेंगे, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ेंगे। वहीं ड्यूटी रत पीआरडी होमगार्ड सहित शिक्षक अन्य विभाग के कर्मचारियों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर बीओ पीआरडी लक्ष्मी वर्मा ने मतदान स्थल पर पहुंचकर जवानों को मतदान शांतिपूर्वक करने को सुझाव दिया। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियमतुल्लाह की रिपोर्ट। इस बार एक इनोवेशन देखा जा रहा है, सर कितने कर्मचारी हैं जो इस बार मतदान करें और मतदान की प्रतिशत क्या हो सकती है, उम्मीद क्या किया जा सकता है? देखिए, लगभग 11,000 जो हैं वो निर्वाचन में कार्मिक लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस, होमगार्ड और युवा मंगल दल के भी जो सभी लोग ड्यूटी में लगे हैं, लगभग जो इस जनपद के हैं लगभग 1,500 के आसपास हैं। तो हम यही प्रयास करें कि जो भी यहाँ के वोटर हैं और यहाँ इस जनपद के निवासी हैं तो उनका वोट आवश्यक डले, तो उसी को बढ़ाने के प्रयास में आज जो ट्रेनिंग है 21 से 25 तारीख तक जो है पोस्टल बैलेट का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो यहाँ ट्रेनिंग करेगा वो साथ साथ अपना मतदान कर सकता है। तो सर, यहाँ मतदान जो हो रहा है, क्या प्रत्याशी यहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, वो प्रत्याशी उनका कोई एजेंट जो है, नामित एजेंट, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर वो बैठ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो वोटिंग कराई जा रही है, मतलब क्या प्रक्रिया। तो सर, क्या लगता है इस बार मतदान की जो प्रतिशत उम्मीद की क्या होगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए पूरा उसके लिए कोई प्रयास जो है वो हमारी तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। गांव-गांव में जो है एक बुलावा टोली बनाई गई है, जो वहां के बीएलओ की अध्यक्षता में वहां समूह की महिलाएं हों, रोजगार सेवक हों, वहां पर उन सभी को घर घर जा रहे हैं वो लोग। सभी जो के प्रवासी श्रमिक हैं उनको ही बुलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, सबको फ़ोन कराया जा रहा है, सबको पत्र भेजा जा रहा है। तो पूरी उम्मीद है इस बार जो वोट सिद्धार्थनगर है वो इस बार आपका अवश्य, सभी यहाँ के लोग जो हैं सभी अपने एक बेहतर भविष्य के लिए नई सरकार चुनेंगे। थैंक यू सर।